न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रवि मिश्रा, आज इस वक्त मैं भाईंदर वेस्ट के जायका हॉल में, यहाँ पर सीए भाईंदर सीए सोशल ग्रुप की तरफ से एक जीएसटी के ऊपर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। आइए जानते हैं। सर आप अपना नाम बताएं। सीए अमित अग्रवाल। ये जो भाईंदर सीए सोशल ग्रुप है, ये आपने कब फॉर्म किया और किस मकसद से फॉर्म किया था? ये हमने जनवरी 2017 में फॉर्म किया था। हमारा मकसद ये था कि ये हम चार दोस्तों ने मिलकर फॉर्म किया है, मैंने, सीए संदीप जैन जी, सीए नीतीश कोठारी और सीए निकुंज मंगेरिया ने। हमारा इंटेंशन ये था फॉर्म करने के लिए कि हम कुछ समाज के लिए करना चाहते थे, कि हम कुछ समाज के लिए करें। तो इस सीए सोशल ग्रुप के अंतरिक्त हमने वृद्ध आश्रमों में खाने की व्यवस्था की है, गरीबों को दिवाली पे और होली पे मिठाइयाँ बांटी है हमने, और आगे भी हम बांटते आएंगे। फिर कमल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर हमने सीए मेंबर्स के लिए क्रिकेट मैच का ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ मैराथन होते हैं वहाँ पे हम पानी के काउंटर्स लगा रहे हैं। तो जो भी हम हमारे से हो पा रहा है, हम उतना इस संस्था के थ्रू करते हैं। सर, ये आज का जो कार्यक्रम रखा गया था, इसके बारे में जानकारी देंगे? यस सर, आज का जो कार्यक्रम रखा गया था जीएसटी के बारे में, पर्टिकुलरली स्पेशली फॉर द रियल स्टेट पर्पज, ये भाईंदर सीए सोशल ग्रुप ने इनिशिएटिव लेके बिल्डर्स एसोसिएशंस, कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स, ब्रोकर्स, जो कंसल्टेंट है, जो टीडीआर वगैरह में काम करते, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी उनके दिमाग में कि जीएसटी क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। 29 मार्च 2019 को नया नोटिफिकेशन आया था, सेंट्रल काउंसिल ने नए चेंजेस लाए थे स्पेशली फॉर द रियल स्टेट पर्पज। तो जिसमें दो तीन तरह के चेंजेस, जो मेजर चेंजेस थे, 1% अफोर्डेबल, 5% नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में कैसे होगा, कौन से वाले प्रोजेक्ट्स में 1% लगेगा, कौन से प्रोजेक्ट में 5% लगेगा, किस तरह से इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, फर्स्ट एप्रिल से क्या इफेक्ट आएंगे, आपको किस तरह से ध्यान रखना है, आपकी ITC जो GST में जमा हुई है उसका क्या होगा, आगे आपको टैक्स कलेक्शन कैसे करना है, GST कैसे चार्ज करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे भरना है, उन जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना, उसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए हमने सीए जिग्नेश कंसारा, जो GST में एक्सपर्ट है, उनको बुलाया था और उनके जरिए अवेयरनेस क्रिएट किया है। अपने भाईंदर, मेरा भाईंदर के सारे जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट में जो काम करते हैं, उनके लिए स्पेशली प्रोग्राम किया था। ये निःशुल्क था, किसी से हमने कोई पैसा नहीं लिया है। हमारे यहाँ पे जो इस प्रोग्राम में जिन्होंने सहयोग दिया था, वो KK गुप्ता जी, RD लुक्कड़ साहब और गौतम अग्रवाल जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे, और शरद पुत्रा जी, उनके फैमिली वाले, उन्होंने इस प्रोग्राम को सहयोग करके भाईंदर सीए सोशल ग्रुप ने इस प्रोग्राम को अपने GST जो बिल्डर्स एसोसिएशन के लिए रखा था। सर, आपको कैसे पता लगता है कि कितना ये बदलाव होगा, जो आपने ये ऑर्गेनाइज किया था, इससे कितना फर्क पड़ेगा, लोगों को क्या फायदा होगा? ये बदलाव इस तरह से, जैसे आपने कहा, इसे लोगों को कैसे फायदा होगा, GST में जो सरकार ने फ्लैट की जो पहले रेट्स थी वो 8% और 12% थी, बिल्डर्स जो पे करते थे, अब सरकार ने उसे 1% और 5% कर दिया है। तो हमने ये प्रोग्राम, लोगों को तब फायदा होगा जब बिल्डर्स न्यू स्कीम को समझ पाएंगे और वो बेनिफिट कंज्यूमर्स को, एंड यूजर को पास ऑन कर पाएंगे। इसीलिए लोगों को फायदा करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है बिल्डर्स को समझाना कि आप कैसे इस स्कीम का फायदा लें और कैसे आप आपकी जो कॉस्टिंग होती है, जो आपके रेट से, वो कम करें या उसका मार्जिन आप एंड यूजर तक पास ऑन करें। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि हम डायरेक्ट एंड यूजर्स जो है उनको समझाएंगे तो उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें बिल्डर्स को समझाना है, इसीलिए हमने बिल्डर्स को समझाया, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट आम जनता को मिलेगा। कैसा था और इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा, और इससे व्यापारियों में जो बिल्डर्स लॉबी है उनके लिए क्या मैसेज है? सर, सर ऐसा है कि रियल एस्टेट सेक्टर है ना, इंडिया की GDP में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6% था 2018 में, 2020 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 10 से 11% हो जाएगा। तो जो सेक्टर का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है, इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP में, उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। छोटे लेवल पे हमारा प्रयास है, ये बड़ी बात, ये तो नेशनल लेवल की होगी, छोटे लेवल पे ऐसा है कि वो क्लैरिटी जितनी लोअर लेवल तक आएगी, उतना गवर्नमेंट का भी जो एक आइडिया है कि भाई ये कलेक्शन इसके ऊपर GST वगैरह बराबर आए, ये कन्फ्यूजन जो है लोगों में भी है, बिल्डर्स में भी है, कि आज क्या भर दें, क्या नहीं भरें, क्या रेट से लोगों से पैसे लें, क्योंकि मार्केट ऐसे भी लो, बिल्डर्स का ऐसा जो है रियल एस्टेट का इकोनॉमी में अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा स्लंप चल रहा है, स्लैक चल रहा है, तो वो थोड़ा सा और हिट कर रहा है। GST में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि रेटों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि लोगों को ये जो है एक बहम है, एक थोड़ा डर है कि यार ये रेट बहुत लग रही है, ये हट जाना चाहिए, तो वो एक क्लैरिटी डालने के लिए ये इम्पोर्टेंट था।
और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का बहुत फायदा करेगा, हम स्वागत करते हैं इस इनिशिएटिव का। ये हमारा आज का सेशन भी काफी इसी तर्ज पे था। इन दिस प्रोग्राम यू नो टू हेल्प बिल्ड अ कम्युनिटी एंड जनरल पब्लिक एट लार्ज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीसेंट चेंजेस। Builders, they don't know what is the applicable rate, what compliance they will have to make, what are their, you know, obligations. If they are opting this new scheme, what will be X consequences in future? Unless we told them in advance, it will be difficult for them to decide. So we are helping them in deciding best option right now. Sir, ये सिर्फ builders को फायदा देगा या जो flat purchase करने वाले हैं उनको भी ये फायदा करेगा? This presentation was for both. It was for builder as well as buyers. We have also covered works contractors. We have also covered landowners. So we are not targeting particular community. We are talking about everyone who is concerned with real estate industry. Thank you, sir.